नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश मेहता ग्राम नेली सेराघाट गंगोली हाट जिला पिथौरागढ़ का निवासी हूं। तो दोस्तों, ये हमारा नेली गांव है, ये जंगलों से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं यहां पर कोई भी रोड नहीं है, यातायात के साधन नहीं हैं। अगर हमें एक सर दर्द की गोली के लिए भी यहां से 3 किलोमीटर दूर सेराघाट है, 3 किलोमीटर जाना और आना, 6 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ता है, पूरा दिन हमारा ऐसे ही खर्च हो जाता है। तो ये है हमारी दिनचर्या, आगे का अपडेट मैं आपको दिखाऊंगा, बने रहिए, कहीं मत जाइए, वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो के बारे में सोचना भी, वास्तव में इनको पीड़ा है या नहीं है ज़रूर ध्यान देना। जंगल में हूँ, जंगल के बीचों बीच से मेरा रास्ता है। हमारे उत्तराखंड में ऐसे जंगल हैं जिसके बीचों बीच से हमको गुजरना पड़ता है और इन जंगलों में बड़े हिंसक जानवर भी होते हैं और डर भी लगता है, क्या करें, जाना है। हमारा जब घर ही ऐसे इलाके में है तो हमें तो अपनी जीवन में ऐसी मुश्किलें बहुत आएंगी और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मेरे पीठ में काफ़ी भारी झोला भी है और साइड में एक और बैग है, ये देख सकते हैं, और ये हमारी दिनचर्या में शामिल है। कहें तो किसको कहें, कुछ नहीं कह सकते हैं। रोज़ाना की ज़िंदगी में हमारा ऐसे उतराव चढ़ाव चलते रहते हैं और सरकार ने कोई भी हमारी ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसे बिहड़ इलाकों में रहते हैं जहाँ पर कोई रोड रास्ता कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊँ पीछे रास्ता दिखा, ये देखो ऐसे रास्ते हैं, ऐसे इलाकों से है ये देखो, ऐसे इलाकों से आता है ये रास्ता, आपको दिखाई दे रहा होगा। वैसे तो इंसान की आवश्यकताएं अनंत हैं, जैसे हमारा आकाश अनंत है ऐसे हमारी जीवन में जो आवश्यकताएं बहुत है, अनंत हैं। अगर हमारे यहाँ भी अगर रोड होती तो हमारी भी एक नई आवश्यकता होती कि यार छोटी मोटी हम गाड़ी लेते और अपना इधर उधर सफ़र जारी करते, पर तो ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारे यहाँ रोड ही नहीं है तो हमें गाड़ी का क्या सपना, गाड़ी से कोई ताल्लुकात ही नहीं है हमारा। जब रोड होगी जहाँ पर वही के लोगों को गाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी और एक नई आवश्यकता को जन्म देता है आदमी। तो मैं यही कहता हूँ कि आज भी लोग ऐसे हाल में जी रहे हैं। शहर में तो 2 लेन 4 लेन 6 लेन क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे लिए 2 फीट का रास्ता ही नसीब नहीं है हमारे लिए। तो क्या कहें, बड़ी भारी और पीड़ा, दुख भरे मन से कहते हैं हम कि कभी हमारे यहाँ रोड आएगी, हमारा गांव रोड से जुड़ पाएगा, या हमारी कभी खुशहाली के दिन आएंगे। भगवान हमारी आवाज़ को सुनो, अरे सत्ता में बैठे हुए नेता अफसरों, ज़रा हमारी भी सुध लो। हम कोई जानवर नहीं है, इंसान हैं, और हमने भी देश सेवा में बहुत बड़ा योगदान कर रखा है। कोई एरू गैरू नथु खैरू नहीं है हम, जो कि आप हमको ऐसे ही समझ रहे हैं। देश के लिए हमने सब कुछ किया है और करेंगे भी, और ये देश हमें बहुत प्यारा है, ये उत्तराखंड बहुत प्यारा है, ये पहाड़ी इलाका हमें प्यारा है। अगर सरकार हमारी तरफ ध्यान देती तो आज हमें जो है इन बिहड़ों के अंदर रहना नहीं पड़ता। चारों ओर जंगल बिहड़ ऐसे इलाके हैं, ऐसे तो साउथ अफ्रीका में भी लोग नहीं रहते हैं जैसे इलाकों में हम रहते हैं। ये देखो, ये भी हमारा एक दुर्भाग्य है बहुत बड़ा, ऐसे रास्तों से गुजर के हमें आना पड़ता है। इन जंगलों में कैसे कैसे हिंसक जानवर हैं। रही बात पढ़ाई लिखाई की, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ये सेराघाट ठीक मेरी उंगली के पास में है, ये 3 किलोमीटर के पास जो है यहाँ पर स्कूल है, प्राइमरी भी और इंटर कॉलेज, प्राइवेट स्कूल, सारे स्कूल यहीं पर हैं। और यहीं पर इस पहाड़ी के पीछे PSC सेंटर है, स्वास्थ्य केंद्र इसी के पीछे, वह जिला अल्मोड़ा में है।
तो एक छोटे से सिर दर्द की दवाई के लिए भी हमें इतना दूर जाना पड़ता है। बाकी जब हम यहाँ दुकानों से और अपने घर तक जब सामान ढोते हैं तो हमें एक जानवर की तरह हमें सामान ढोना पड़ता है। जैसे गधे घोड़े में सामान लादा जाता है ऐसे लाते हैं। ये हमारा जीवन है और हमारी इस पीड़ा को कोई नहीं सुनने वाला है। कई सरकारें आई और गई, फिर आएंगे फिर जाएंगे, ये चक्र चलता रहेगा, परंतु हमारा कोई भी दुख दर्द को देखने वाला नहीं है। ये देखो चारों ओर ये ऐसे इलाके हैं, ये रास्ते भी सीसी मार्ग नहीं है हमारे, ऐसे खतरनाक जंगल है, चारों ओर जंगल ही जंगल है। ये देख सकते हैं आप, पहले यहाँ पर लोगों ने खेती बाड़ी की थी, धीरे धीरे समय बदला, लोग पलायन हुए, पढ़ाई लिखाई की असुविधा, स्वास्थ्य की असुविधा के कारण लोगों को गांव से एक एक करके निकलना पड़ा। जिनके पास गुंजाइश थी वो तो बाहर को चले गए, जो गरीब गुरबे थे पिछड़े लाचार थे वो यहीं पर रहे, तो जाते तो कहाँ जाते, कोई उनके लिए आगे कोई जगह न थी और न ही इतना रुपया पैसा था उनके पास में। हमारे देश में क्या कमी है, कोई कमी पेशी नहीं है। न इतना गरीब देश है हमारा नेपाल की तरह या अन्य छोटे छोटे जो देश हैं हमारे देश के पड़ोस में, उनको जो हमारा देश मदद करता है, और हम ऐसे भूभाग में रहते हैं हमारी कोई भी सुध नहीं ले रहा है, न कोई यहाँ पर विकास कार्य है। क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं, जी करता है, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, हम लाचार हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और हमारी पीड़ा को पीड़ा समझें। हम भी इस उत्तराखंड के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, और वीडियो को शेयर करें। और क्या हो सकता है, बाकी कुछ नहीं है। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय।